चारधाम यात्रा पर बद इंतजामी से तीर्थ यात्री बेहद परेशान हैं, तो वहीं साइबर ठग भी यात्रियों की मुश्किल को और बढ़ा रहे हैं। केदारनाथ यात्रा की हेली सेवाओं में ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने बिहार से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ हो रही है। चमोली पुलिस की गिरफ्त में खड़े शातिर ठग पर चार धाम यात्रा की हेली सेवाओं में फर्जी वाड़े का आरोप है। उत्तराखंड पुलिस ने इसे बिहार के नवादा से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इसने फर्जी वेबसाइट के जरिए कई श्रद्धालुओं से हेली टिकटों के नाम पर ठगी की। उत्तर प्रदेश से आए एक श्रद्धालु द्वारा बद्रीनाथ थाने में एक तहरीर दी गई कि उनके द्वारा हिमालयन हेली सर्विस नाम की एक साइट से केदारनाथ यात्रा के लिए बुकिंग करवाई गई थी, पर उसके बाद जो एजेंट है वो उनका लगातार जो है फ़ोन उठा नहीं रहा है। अभियुक्त है, उसको हम लोगों ने नवादा बिहार से उसकी गिरफ्तारी की है। इस शातिर ठग ने हेली सेवा की बुकिंग के लिए एक वेबसाइट तैयार की थी। उस वेबसाइट के जरिए ये हेली सेवा की बुकिंग कर यात्रियों के साथ ठगी कर रहा था। वेबसाइट तैयार करने के लिए इसने तेलंगाना के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मदद ली थी। वेबसाइट पर अलग अलग मोबाइल नंबर डाले गए थे, जिन पर आने वाली कॉल पर यात्रियों से बात की जाती थी। जब लोग बुकिंग के लिए तैयार हो जाते थे तो उनसे टिकट बुकिंग के लिए पैसे मंगवाए जाते थे। इस ठग ने ही यूपी के एक यात्री के साथ केदारनाथ में हेली सेवा की बुकिंग के नाम पर 24,000 रुपए की ठगी की थी, जिसकी शिकायत बद्रीनाथ कोतवाली में की गई थी। उसी शिकायत पर एक्शन लिया गया और उत्तराखंड पुलिस इस ठग के ठिकाने तक पहुंच गए। अब ये सलाखों के पीछे पहुंच गया। अगर आप भी हेली सेवा के जरिए चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो किसी एजेंट के बहकावे में मत आइए। सिर्फ उत्तराखंड सरकार की तरफ से संचालित की जा रही वेबसाइट पर जाकर ही बुकिंग कराएं। एबीपी गंगा के लिए चमोली से लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।